गाइज, आईपीएल 2023 का अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है जिसकी पुष्टि खुद ESPN क्रिक इन्फो ने करी है। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 के दो मैचों में ऐसे दो किस्से हुए हैं जिससे आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। पहले मैच में जो टूर्नामेंट का पहला मैच था मुंबई और गुजरात जायंट्स के बीच, उसमें मुंबई के स्पिनर ने एक बॉल लेग साइड चली गई, उस बॉल को एम्पायर ने वाइड करार दिया, लेकिन मुंबई ने DRS का उपयोग करते हुए फैसले का रिव्यू लिया और उस फैसले को पलट दिया गया। दूसरा गुजरात और यूपी के मैच में आखिरी ओवर में यूपी ने वाइड बॉल के एक फैसले को चुनौती दी, रिव्यू में ये गेंद वाइड पाई गई जबकि एम्पायर ने इसे सही गेंद माना था। इसके बाद यूपी को एक बॉल और एक रन एक्स्ट्रा मिला, इसकी मदद से यूपी ने मैच को अपने नाम कर लिया। जी हाँ, अब IPL में खिलाड़ियों के पास वाइड और नो बॉल के फैसले को रिव्यू करने का अधिकार होगा, जबकि पुराने नियमों के अनुसार खिलाड़ी सिर्फ आउट और नॉट आउट के फैसले को ही रिव्यू कर सकते थे, लेकिन अब वाइड और नो बॉल को भी इसमें शामिल किया गया है। हालांकि हर टीम के पास केवल दो ही रिव्यू होंगे।